प्रभाव धीरे धीरे आंदपुर उपखंड में देखा मिलूँ। गत रात मध्यरात्रि आंदपुर उपखंड में धीरे धीरे पवन रेग बढ़िया सांग को वर्षार परिमाण पड़ू तुहा कु तुहा वर्षा एवं पवन होपण मैंने चित्र देखिपे किप आंदपुर उपखंड में वर्षार कराल रूप देखुची धीरे धीरे पवन रेग बढ़ुँ प्रबल पवन हो लॉकडाउन थिबारु लोक मैंने एमती भी बाहर को बाहरी पार ना कौन लोक भयभीत अवस्था अनेक लोक अच्छा तथापि आंदपुर प्रशासन पक्षर लोक मानक सचेतन करवा सचेतन रही भय नक कहुई जहाँ आम प्रशासन पक्षर सूचना रोचे जे गत काली राति सुधा पखापाखि 3000 लोक स्थानातरित कराई बात्या आश्रयस्थल को 3000 लोक स्थानातरित कराई विलंबित हेले से मास्क राति सुखला खाद्य प्रशासन पक्षर जोगे दी आउ गोटे दुखद खबर देवाई चाहिए दर्शक मानक आज भोरु सका गछ पड़ी आम घसीपुरा थाना पंचुपल्ली ग्रामर पूर्णचंद्र नायक जे व्यक्ति मृत्युवरण कर सारी जहाँकि गोटे बड़ दुखद खबर आम यासर प्रथम जीवन नहीं चांदपुर उपखंड में अंपक्ष देखा गले जो प्रशासन पक्षर यह बात्या को मुकबिला करने आंदपुर उपखंड में 4 गोटी NDRF टीम एवं गोटे ODRAF टीम नियोजित करते जो कच्चा घर एवं भांगी जाइथिबा घर मानक जो विपदपूर्ण घर मानक रही लोक मान प्रशासन सहयोग से बात्या आश्रयस्थल को स्थानांतरित करणिपाग विभाग सूचना रही आज 11-12 मध्य लैंडफल कर बात्या जाजपुर आंदपुर ठाकुरमंडा गति कर जहाँफल यार प्रभाव दिन मध्याह्न समय रे यार प्रभाव एवं वर्षार प्रभाव पवन रेग प्रबल रही लोक माने जनसाधारण माने भयभीत न हो सतर्क स्थान रहा सरकार नियम मानिकी जो बात्या आश्रयस्थल रही निज घर विपद मणुले संगे संगे बात्या आश्रयस्थल को आसवापी प्रशासन पक्षर नवेदन रही आम लोक सतर्क कराइबा से कौन खोला स्थान रो विपदपूर्ण घर न रही भंगा जाइए घर न रही सरकार पक्षर व्यवस्था कराई आश्रयस्थल आसी आश्रय निठार सरकार पक्षर व्यापक व्यवस्था कर खाद्यपेय समस्त रहीपाई व्यवस्था कर आनंदपुर सतीश साहू अर्गस न्यूज।